सेहत की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी बावेजा। दोस्तों आज मैं आगरा में हूं और जो आप सामने देख रहे हैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल, यहां का प्राइवेट हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, यहां का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो कि जिसका फर्स्ट बैच जो है 1944 में पास आउट हुआ था, यानी कि काफ़ी पुराना अस्पताल है। और आगरा सिटी हम सबको पता है जो है वो ताजमहल के कारण और पंछी पेठा जो है, जो विज़िटर्स आते हैं वो पंछी पेठा जो है काफ़ी मशहूर है विज़िटर्स जो आते हैं यहाँ पे। तो अगर विज़िटर्स की बात की जाए तो साल में अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ विज़िटर्स पूरे भारतवर्ष से हर साल यहाँ पे आगरा में विज़िट करते हैं। मेडिकली मैं कहूँगा इतना ज़्यादा एडवांस सिटी नहीं है जिस हिसाब से विज़िटर्स आते हैं यहाँ पर जो अब आगरा जो है वो यहाँ आगरा के अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हो रहे हैं मेडिकली, यानी कि अब यहाँ के जो शहर के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको इलाजों के लिए, छोटे मोटे इलाजों के लिए, इवन एडवांस्ड ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत या किसी बड़े सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बड़ी अच्छा जो है वो एक डेवलपमेंट की निशानी है कि मेजर काम जो है वो यहीं हो जाता है। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जो है अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ता था तो वो बच नहीं पाता था क्योंकि लोकल लेवल पे कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। परंतु जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ केयर में, उसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि अब लोकल जो लोग हैं वो अपना इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, अगर आया था तो मुझे आपके आप सब इंतज़ार में होंगे, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना है। और भी कुछ बातें अगर आप साझा करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप में से कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखते हो या किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में कुछ और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। जब मिलता हूँ जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, धन्यवाद।